दशकों के मशक्कत और आंदोलन के बाद बुधवार यानी 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। राम मंदिर बाबरी मस्जिद के समर्थन और विरोध के कारण चर्चा में आई कई नामचीन हस्तियां या तो अनंत में विलीन हो गई या सियासत से दूर हो गई। हाशिम अंसारी साल 1949 से ही बाबरी मस्जिद के सबसे प्रमुख पैरोकार रहे। अंसारी का 95 साल की उम्र में 20 जुलाई 2016 को निधन हो गया था। इन्होंने ही 1986 में राजीव सरकार द्वारा ताला खोलने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा किया। सैयद शहाबुद्दीन बाबरी मस्जिद के मुख्य पैरोकारों में से एक थे। इसे धार्मिक की जगह कानूनी मुद्दा मानने वाले शहाबुद्दीन ने बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। 3 बार सांसद रहे शहाबुद्दीन ने तत्कालीन पीएम राजीव गांधी से मुलाकात कर बाबरी मस्जिद मुसलमानों को सौंपने की मांग की थी। हिंदू पक्ष के महंत रामचंद्र दास परमहंस साल 1949 में विवाद शुरू होने और साल 1992 में बाबरी ढांचा के विध्वंस होने तक मुख्य भूमिका में रहे। परमहंस 1989 में गठित राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष बने। उनका निधन 2003 में हुआ। अंत समय तक वो राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष करते रहे। अशोक सिंघल ने राम मंदिर आंदोलन में केंद्रीय भूमिका निभाई। 80 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को नई धार दी। बाद में बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में सिंघल आरोपी भी बने। राम मंदिर आंदोलन को धार देने वाले देवराहा बाबा प्रमुख चेहरा थे। इलाहाबाद में जनवरी 1984 में हुई उस धर्म संसद की अध्यक्षता देवराहा बाबा ने की, जिसमें 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख तय हुई थी। कहा जाता है कि इन्हीं के आदेश के बाद तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने तमाम विरोध के बावजूद विवादित स्थल का ताला खुलवाया। राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के पहले अध्यक्ष महंत अवैधनाथ ने भी राम मंदिर आंदोलन को धार देने में अहम भूमिका निभाई। मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि न्यास के भी अध्यक्ष रहे। बाद में बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में इन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। राम मंदिर निर्माण को राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बनाने में लाल कृष्ण आडवाणी ने अहम भूमिका अदा की। वो आडवाणी ही थे जिन्होंने विहिप की ओर से शुरू किए गए आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन बनाया। सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालकर इस आंदोलन को राजनीतिक मुद्दा बनाया। इसी आंदोलन की बदौलत भाजपा की ताकत बढ़ाई। वर्तमान में आडवाणी सक्रिय राजनीति से दूर हैं। विवादित ढांचा विध्वंस के दौरान यूपी के सीएम रहे कल्याण सिंह की छवि हिंदू हृदय सम्राट की बनी। सीएम नहीं रहते हुए भी उन्होंने मंदिर आंदोलन में लगातार अहम भूमिका निभाई। साल 1992 में सुप्रीम कोर्ट को विवादित ढांचे की सुरक्षा का हलफनामा दिया। विवादित ढांचा टूटने के बाद उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई। फिलहाल सक्रिय राजनीति से वो दूर हैं। भाजपा का प्रमुख चेहरा रहे मुरली मनोहर जोशी ने भी इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। आडवाणी की तरह विवादित ढांचे विध्वंस मामले में आरोपी बनाए गए, अब आडवाणी की तरह ही सक्रिय राजनीति से दूर हैं। राम मंदिर आंदोलन के दौरान साध्वी उमा भारती जनसभाओं में विहिप और भाजपा के मुख्य वक्ताओं में थी। साल 1990 और 1992 के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। फिलहाल खुद संसदीय राजनीति से दूर हैं। बिहार के सीएम रहते लालू प्रसाद यादव ने लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा सीतामढ़ी में रोक दी थी। आडवाणी को गिरफ्तार करा दिया था। मंदिर आंदोलन के मुख्य विरोधी लालू प्रसाद फिलहाल चारा घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। यूपी का सीएम रहते साल 1990 में कार सेवकों पर गोली चलवाने का आदेश देने वाले मुलायम सिंह को बाद में भी सीएम बनने का मौका मिला। सपा यूपी में लगातार मजबूत हुई। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सपा को सत्ता गंवानी पड़ी। साल 1986 में जब तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने विवादित स्थल का ताला खुलवाया तो इसे कांग्रेस के नरम हिंदुत्व का नाम दिया गया। हालांकि इस निर्णय के बाद कांग्रेस न सिर्फ उत्तर प्रदेश में लगातार कमजोर होती गई, बल्कि मुस्लिम वर्ग में भी कांग्रेस का आधार लगातार कमजोर होता चला गया। 1991 में राजीव गांधी की लिट्टे आतंकियों ने हत्या कर दी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।